हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि किसी दृढ़ पिंड पर, किसी सॉलिड बॉडी पर या रिजिड बॉडी पर कार्य करने वाले तीन बलों, ध्यान दीजिएगा, किसी दृढ़ पिंड पर कार्य करने वाले तीन बलों को यदि परिमाण, मैग्नीट्यूड, दिशा, डायरेक्शन और क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन में किसी त्रिभुज की तीन क्रमानुसार भुजाओं, किसी ट्रायंगल की थ्री एडजेसेंट साइड के द्वारा पूर्णतया निरूपित किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, तो वे एक बलयुग्म के समतुल्य होते हैं, तो वे एक कपल की इक्विवेलेंट होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करिए, किसी दृढ़ पिंड पर कार्य करने वाले तीन बलों को यदि परिमाण, दिशा और क्रिया रेखा में क्रमानुसार भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो वे एक बलयुग्म के समतुल्य होते हैं, एक कपल के इक्विवेलेंट होते हैं, जिसका आर्ध है, जिसका मोमेंट, यानी जो कपल के इक्विवेलेंट हो गया, उसका मोमेंट, जिसका आर्ध है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोगुने के बराबर होता है, ठीक, जिसका मोमेंट उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोगुने, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है, ठीक। इसी थ्योरम को हमको प्रूव करना होगा, दृढ़ पिंड पर कार्य करने वाले तीन बलों को, तो पूछ करें कि किसी रिजिड बॉडी पर तीन बल पी क्यू और आर कार्य कर रहे हैं, इन तीनों बलों को हम एक ट्रायंगल ओबीसी में, इसको हमने इसको पी से दिखाया, इसको पी से दिखाया, इसको आर से, थ्री एडजेसेंट है, अगर इसको पी से दिखाते, इसको पी से दिखाते, इसको आर से, इसको पी से दिखाते तो पी होता, ये आर होता, ऐसे ही ओबीसी हमने पी को दिखाया, पीसी से हमने पी को दिखाया और पीओ से हमने आर को दिखाया, जैसे तीन बल पी क्यू तथा आर को त्रिभुज ओबीसी की तीन भुजाओं ओबी, बीसी और सीओ के द्वारा दिखाया गया, यानी कि ओबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को, ओबी रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, बीसी रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू को, सीओ रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, ओबी पी को, बीसी क्यू को, सीओ आर को। ये फिगर ए की कहानी, फिगर बी में आते हैं, तो फिगर बी में देखें कि बिंदु ओ से बीसी के समांतर एक रेखा जे को भी खींचा, फिगर बी में बीसी के पैरेलल लाइन एक लाइन जे ओ के, एक लाइन जे ओ के खींचा, ठीक, इसके बाद उस पर बल क्यू दिखाया, इस पर हम क्या करेंगे, ओ के इधर भी एक फोर्स क्यू दिखाएंगे, ओ के इधर भी एक फोर्स क्यू दिखाएंगे, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों बल के परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए एक ये एक दूसरे को यूटिलाइज कर देंगे, निरस्त कर देंगे और हमारा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि इधर भी क्यू लगाया, इधर भी क्यू लगाया, दोनों क्यू को लगाने से सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि क्यू की क्रिया रेखा एक ही क्रिया रेखा पर स्थित है, इसलिए उनके परिमाण बराबर परंतु दिशा जितनी बन और वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। बिंदु ओ से बीसी पर एक लंब डाला, बिंदु ओ से बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला, तो होगा ओएफ, ठीक, एक परपेंडिकुलर हमने इस पे डाला, तो क्या है ओएम, ठीक। अब हम देखते हैं फिगर में एक कपल हमको मिलता है, ये देखिए ई क्यू है, ये इसका आर्म ऑफ कपल है और इधर एक फोर्स ई क्यू लग रहा है, ठीक, इसको हम अलग तरीके बना रहे हैं, ई क्यू ओ से जे की तरफ एक फोर्स आएगा और एन से सी की तरफ एक फोर्स आएगा, ठीक है, ये ओएम। देखिए अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में इस कपल का मोमेंट क्या आएगा, इस ट्रायंगल में एक कपल हमको मिला क्यू ओएम, ठीक, अब इस ट्रायंगल में कपल का मोमेंट क्या होगा, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू ओएम आएगा, कपल का मोमेंट फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल क्यू इंटू ओएम। अब क्यू को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, बीसी को, ठीक, तो क्यू की जगह आपने क्या क्या लिखा, बीसी इंटू ओएम। अब बीसी क्या है, बीसी इज द बेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक, और ओएम इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, यानी बीसी त्रिभुज का आधार है, ओएम इस त्रिभुज की ऊंचाई है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको लाना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोगुने के बराबर होता है, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल लाना है, आधार मिल गया, ऊंचाई मिल गई, अब हमको आधा मतलब हाफ इसमें और मल्टीप्लाई करना है, तो इस बी सी इंटू ओएम में हम दो से
दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी टू बाई टू, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टू को बाहर करेंगे तो हमको मिलेगा वन बाई टू बी सी इंटू ओ एम। अब देखिए वन बाई टू बी सी इंटू वन बाई टू बी सी हमारा आधार है, ओ एम निकालिए तो हम लिख सकते हैं दो गुड़े त्रिभुज को बी सी कर सकते हैं, हो जाएगा। यानी ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाता है कि यदि किसी त्रिभुज पर कार्य करने वाले तीन बलों को परिमाण रेखा और क्रिया रेखा में किसी त्रिभुज की तीन क्रमानुसार भुजाओं द्वारा पूर्णतया निरूपित किया जाए तो वे एक बलयुग्म के समतुल्य होते हैं और जिसका आघूर्ण उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोगुने के बराबर होता है। तो ये पूरा लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा और ये डेरिवेशन एग्जाम में कभी कभी